ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लाइमेट ने बहुत गंदा रुख ले लिया, मतलब पूरा बारिश चालू है, मतलब बहुत गंदा वाला बारिश चालू है। सुबह से हम लोग 5:30-6 बजे से वेट कर रहे हैं, बट अभी 7 बजने आ गए, अभी तो बारिश खुलने वाला है नहीं। तो सोचा चलो निकलते हैं ऐसे, क्योंकि रुक के मतलब नहीं, प्लान कैंसिल तो करना है नहीं हम लोग को। तो आज मैं जा रहा हूँ देवकुंड वाटरफॉल, और देवकुंड तो कैसे बहुत से लोगों को पता होगा, और जो लोग को नहीं पता होगा वो वीडियो देखो, क्योंकि सबको पता चलेगा कैसा है देवकुंड। ऑल राइट, सो फाइनली अभी हम निकल गए, और बारिश क्या गंदी वाली लगी है यार, हम लोग को क्या बोलो अभी। सो जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि आज हम लोग जा रहे हैं देवकुंड, क्योंकि बहुत सही वाटरफॉल है। और मेरा वो बोलते ना मानसून लिस्ट जो मैंने रेडी करके रखा था कि मेरे को ये प्लेसेस पे जाना है, उसमें देवकुंड तो था ही। तो आज देवकुंड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम हम लोग गए थे कातलधारा, तो जो लोगों ने कातलधारा वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो वो आई बटन पे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, उधर देख सकते हो आप लोग, क्योंकि वो ट्रैक मेरी सबसे टफ ट्रैक थी जैसे एक हिसाब से, क्योंकि पहली बार मैंने इतना टफ ट्रैक किया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना टफ रहेगा, क्योंकि बोला स्टार्टिंग में सब उतरना ही है, बट बाद में जब मालूम पड़ा ना भाई, वो थी प्रॉपर ट्रैकिंग। और ऊपर से बिना प्रिपरेशन के जो ट्रैकिंग होती है ना, वो ज़्यादा हालत ख़राब करती है। तो वही सेम हुआ था। तो जो लोगों को कातलधारा का ब्लॉग देखना रहेगा, आई बटन पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, आप लोग उधर से भी देख सकते हो। ऑल राइट, सो आज हम लोग जा रहे हैं गोल्ड मुंबई गोवा हाईवे से। बेसिकली देवकुंड के जाने के लिए हम लोग लोनावला से भी जा सकते थे, बट हर बार सेम प्लेस से जाने के लिए बोर होता है, इसलिए मैं सोचा इस बार कुछ नया रूट लेते हैं, कुछ नया भी एक्सप्लोर करने मिलेगा। तो इसलिए मुंबई गोवा हाईवे से जा रहे हैं, क्योंकि वो हाईवे एक नंबर है। बाकी मेरे हिसाब से 2 घंटे या 3 घंटे कुछ तो लगते जाने के लिए, और ऊपर से बारिश है, मतलब और टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी रेव नहीं कर सकते, आराम से जाना पड़ेगा। बाकी सामने क्लाइमेट क्या सही है, देखो ना पूरा फॉग, और आज मेरे को ऐसा लग रहा है पूरे राइड पे बस बारिश ही मिलने वाली है, क्योंकि वेदर चेक किया था भाई, आज 100% श्योर बारिश है। तो आज पूरे ब्लॉग में बारिश होने वाली है। मेरे हिसाब से बारिश कुछ ज़्यादा ही है, और GoPro कंटिन्यूसली भीग रहा है, तो मेरा एक माइंड बोल रहा है कि GoPro निकाल के अंदर रख दूँ, क्योंकि मैंने कोई वाटरप्रूफिंग की नहीं है, वो लास्ट टाइम बस देख देसी जुगाड़ था। इधर इतना चेक नाका वगैरह लगा है, इसका मतलब वीकेंड में तो इधर नहीं आ सकते, ऑब्वियसली इधर पुलिस लोग रहते रहेंगे वीकेंड में, तो वीकेंड में मत आना इधर, मैं वीकडेज में ही आओ, मैं भी वीकडेज में ही जा रहा हूँ, तो वीकेंड तो अवॉइड ही करना, क्योंकि अब तक मैंने 3 से 4 चेक नाका देख लिया, मतलब कितनों से बचोगे, ऐसा है ना किधर से रिटर्न जाना ही पड़ेगा, फिर उससे अच्छा वीकेंड में आओ मत, मैं वीकडेज में ही आओ। ऑल राइट, तो अभी हम लोग आने वाले धीरा विलेज में, ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर बाकी है बस। बीच में जो गंदी वाली बारिश लगी थी ना भाई साहब, बहुत पूरी हालत लग हो गई हमारी, इसलिए GoPro वगैरह निकाल के रखा था, उधर ब्लॉग भी नहीं किया, बोला एक तो पहले जल्दी से जल्दी पहुँचा, क्योंकि बहुत 11 बजने आ गए यार, बहुत लेट हो गया। तो अभी बस 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, हम लोग पहुँचेंगे अभी बेस विलेज में भीरा गाँव, फिर उधर से ट्रैक, इधर राइट साइड में टाटा का पावर प्लांट भी है, तो वो एक याद रखना कि हमें लेफ्ट साइड जाना है। तो क्या तैयार है इधर से, तो फाइनली पार्किंग का पूरा अरेंजमेंट है इधर, दोनों गाड़ी ही या नहीं,
फाइनली ट्रिक स्टार्ट हो गई है अभी। हम लोग पहले आने के लिए एंट्री करना पड़ता है, 50 rupees पर पर्सन एंट्री है। उसके बाद पार्किंग का भी अरेंजमेंट है, तो पार्किंग का 20 rupees है। और सब होने के बाद अब भी ट्रिक स्टार्ट। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. स्लीपर ही रोड है तो ध्यान से चलना, क्योंकि आराम से स्लिप होके गिर सकते हो इधर। बाकी व्यू का मज़ा है यार, मतलब इतना टफ ट्रैक नहीं बोल सकते यार इसे, क्योंकि सीधा सीधा चलना है बस। बट व्यू भाई जन्नत व्यू है इधर, ये वाला व्यू देख लो। अभी जाके थोड़ा ट्रैक से स्टार्ट हुआ है हमारा, जब से प्लेन रोड था इसलिए कुछ लग रहा नहीं था, अभी प्रॉपर ट्रैक है तो अभी थोड़ी हालत हो गई। बहुत सही है, बट नेक्स्ट टाइम आने के टाइम हम लोग उधर से आएंगे, तो पूरा एडवेंचर चाहिए हम लोग को, तो आने के टाइम हम लोग एडवेंचर करके आएंगे। बट अभी जल्दी जल्दी जाने का, इसके लिए ब्रिज का सहारा लिया। ऑलराइट, सो ब्रिज वाला प्राइस तो हो गया हम लोग का। बाकी व्यू देखो यार, व्यू का ही पूरा पैसा है भाई, बोलते वर्थ है। अब जाके थोड़ा ट्रैक हार्ड हुआ है, अभी पूरा स्टीफ है, सीधा चढ़ना है अभी। अभी हालत हो रही है, अभी थोड़ी हालत ख़राब हो गई है, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लिए, थोड़ा पानी वानी पी के निकलेंगे अभी। और बस 20 minutes का पैच बाकी है, बट पूरा स्टीफ पैच है, देख सकते हो आप लोग। डिस्टेंस कम है बट हार्ड है। सो गाइज, अभी 10 मिनट का रास्ता बचा है बस, वाटरफॉल का आवाज़ तो आ रहा है, आई होप तुम लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा माइक से। बस थोड़ी देर और फाइनली वी आर एट देवकुंड। बस 5-10 मिनट रह गए और ये देखो इधर से देवकुंड दिखने लग गया है, पता नहीं कैमरे में हो रहा है क्या नहीं, पर इधर से देवकुंड तो दिख रहा है। तो गाइस देवकुंड के पहले ही हमको एक वाटरफॉल मिला है,
और वाटरफॉल देखो। तो फाइनली गाइस वी आर एट देवकुंड और ये देखो व्यू। हाँ पूरा वर्थ है, इतना ट्रैक करना पूरा वर्थ है इसके लिए। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose my ब्रेक खत्म करने का वक्त आ गया है, ऑलमोस्ट पीछे आ गए हम लोग। तो सोचा एक ब्रेक ले लेते क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था कुछ नहीं। तो अभी हम लोग कप नूडल्स बना रहे हैं, तो वैसे अभी खाएंगे थोड़ा सा फिर निकल जाएंगे फटाक से, क्योंकि ब्रेक तो अपना पूरा हो गया है। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, टू एंजॉय टू लाइक शेयर कमेंट, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।